नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। शुरुआत करेंगे गोल्ड से, क्योंकि गोल्ड की कीमतों में लगातार गिरावट बनी हुई है और इस वक्त MCX पर गोल्ड का भाव करीब करीब 400 रुपये नीचे है, 50,860 के आसपास ट्रेड हो रहा है। हमारे साथ भाविक पटेल हैं ट्रेड बुल्स के। भाविक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या लगता है सर आपको, आज रुपया भी बहुत रिकवर हुआ है, क्या ऐसे में ये गिरावट गोल्ड की आज और बढ़ सकती है, बेचना चाहिए गोल्ड इस भाव पर? नमस्कार मृत्युंजय जी। जी ज़रूर से, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में भी देखें तो 1750 के नीचे गोल्ड है और MCX में देखें तो 51,000 जो उसका सपोर्ट है उसके ब्रीच भी कर दिया है और आज रुपये भी अच्छा खासा अप्रिशिएट हुआ, तो उसकी वजह से भी MCX में सोने हम में वीकनेस देखने को मिल रही है। आई थिंक थोड़ा उछाल आता है अगर 51,100 के करीब, तो वहाँ से बेच सकते हैं 50,700 के टारगेट के लिए और इंट्राडे स्टॉप लॉस रख सकते हैं 51,300 का। आई थिंक जब तक 51,100 के ऊपर क्लोज नहीं देता गोल्ड, तब तक वीकनेस जो है वो बनी रहेगी। ठीक है, तो गोल्ड में आप कह रहे हैं कि बेचें, 50,700 का टारगेट, 51,300 का स्टॉप लॉस, 51,100 के भाव पर आप गोल्ड बेच सकते हैं, ये राय भाविक जी की है। अच्छा, आपको लगता है कि सिल्वर में भी कमजोरी थोड़ी बढ़ेगी और गोल्ड के साथ साथ आज चांदी में भी बिकवाली करनी चाहिए? जी ज़रूर सही, क्योंकि चांदी में अगर देखें तो बेस मेटल्स में भी जो वीकनेस है उसका भी इफेक्ट आ रहा है और जो प्रेशियस मेटल गोल्ड में है दोनों में इफेक्ट आ रहा है, तो चांदी में भी अगर आज हम देखें तो वीकनेस ही बरकरार है। तो आई थिंक जो दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट है वो करीब ना करीब अराउंड 55,000 आती है, तो वहाँ पर मैं शॉर्ट का रिकमेंडेशन करूँगा 54,500 के टारगेट के लिए और इंट्राडे स्टॉप लॉस रहेगा 55,300 का। इन दोनों कम में आज आपके लिए बिकवाली का मौका बनेगा। अब आते हैं एल्युमिनियम पे। एल्युमिनियम पर आपका व्यू क्या है, क्या एल्युमिनियम में भी, क्योंकि मेटल के सारे काउंटर भी दबाव में हैं और एल्युमिनियम में गिरावट ज्यादा है, 2.3% के आसपास की, 210 के नीचे आ चुका है। चाइना की चिंता मार्केट पर हावी है, डिमांड घटने की आशंका बनी हुई है, क्या ऐसे में एल्युमिनियम भी अभी बेचा जाए, शॉर्ट किया जाए? जी सर, सही, क्योंकि एल्यूमिनियम देखिए एक ब्रेकडाउन भी दे दिया है टेक्निकली। अगर अगस्त में देखें तो 210-211 का जो सपोर्ट था वो काफ़ी अच्छा सपोर्ट था, क्योंकि वहीं से अगर हम देखें तो 213-214 तक का जो बाउंस आ रहा था, पर आज के दिन अगर देखें तो ये सपोर्ट भी कन्विंसिंगली उसने ब्रेक कर दिया है। और सेकंड, जो आपने बताया कि फंडामेंटल फैक्टर्स भी थोड़े नेगेटिव है, जहाँ पे चाइना के स्लो डाउन है वो इफेक्ट कर रहा है सप्लाई और डिमांड दोनों की वजह से, तो आई थिंक एल्यूमिनियम एक सेफ बेट है कि जहाँ पे मुझे लग रहा है कि आज के दिन काफ़ी शॉर्ट रहेगा मार्केट में पोजीशन और यहाँ से रिकवरी के चांसेस बहुत कम है। तो एल्यूमिनियम सितंबर कॉन्ट्रैक्ट है वो 211 जहाँ पे उसका सपोर्ट था जो ब्रेक डाउन किया है वहाँ पे वापस आता है, तो शॉर्ट कर सकते हैं 209 के टारगेट के लिए और 213 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं क्रूड पे, और क्रूड में भी अब गिरावट बढ़ गई है। कल की जोरदार तेजी के बाद आज कच्चा तेल ठीक तरीके से नीचे आया, आप देखिए 103 के नीचे आ गया है ब्रेंट, 96 के नीचे नाइमेक्स क्रूड और MCX पर भाव 7,600 के करीब। कल 4% दाम बढ़े थे, आज 2% के आसपास की तेजी गायब हो गई। अब जरा आप बताइए, चूंकि दो खबरें हैं, एक तेजी वाली खबर यह है कि ओपेक प्लस उत्पादन कम कर सकता है, उसका इंपैक्ट हमने कल मार्केट पर देखा। मंदी वाली खबर यह है कि दुनिया भर में महंगाई बढ़ रही है तो ब्याज दरें बढ़ने की संभावना तेज हो रही है, ये क्रूड के लिए निगेटिव है। अब आप बताइए कि ऐसे में अब यहां से मार्केट किस खबर पर रिएक्ट करेगा? देखिए, मार्केट ने ऑलरेडी ओपेक प्लस ने जो बताया है वो उसने ये बताया कि US ईरान का जो अगर डील हो जाता है तो उस टाइम पे वो लोग जो प्रोडक्शन है वो कम करेंगे, क्योंकि ईरान से 1 मिलियन बैरल्स पर डे बढ़ जाएगा, तो ये इफ का है, तो ऑलरेडी मार्केट ने डिस्काउंट कर दिया ये न्यूज़। और दूसरा अगर देखें तो अभी सारे जो फ्राइडे को जो जैक्सन होल में फेड ने एग्रेसिवली रिस्टांस दिया है, तो उसकी वजह से सारे मार्केट्स में भी थोड़ी घबराहट है कि आगे जाके फेड बहुत एग्रेसिवली रेट हाइक करेंगे तो इकोनॉमी स्लो डाउन हो सकती है, तो उसकी वजह से सारे जो कॉमोडिटी एसेट्स है इवन क्रूड है उसमें बिकवाली देखने को मिलती है। तो वैसे भी अगर देखें तो शॉर्ट टर्म में अच्छी खासी रैली हमने देखने को मिली थी और अभी लग रहा है कि क्रूड में थोड़ा कंसोलिडेशन हो सकता है। आई थिंक ब्रेंट 105 के ऊपर जाता है तो ही मुझे लग रहा है कि वापस एक अपसाइड रैली दिख सकती है, तो आज के दिन सेफ साइड है कि 7650 के करीब क्रूड में उछाल आता है तो बेच के चल सकते हैं 7500 के टारगेट के लिए। ओके, क्रूड में भी आपकी राय बिकवाली की है। आखिरी सवाल मेरा आपसे होगा जिंक के ऊपर, जिंक में आज क्या ट्रेड लिया जाए?
देखिए सारे बेस मेटल में एक जिंक ही है जो थोड़ा बहुत स्ट्रांग है, और ये एक हेज का कॉल है, क्योंकि सारे अगर देखे एसेट क्लास है सारे में बिक वाली है। और टेक्निकली भी अगर देखे तो अगस्त में 313 का जो सपोर्ट है जिंक में वो ब्रेक नहीं किया है, वहाँ से एक उछाल आ रहा है। तो आई थिंक वही मुझे लग रहा है कि अगर ब्रेक करता है 310 या 309 के नीचे तो नेगेटिव रहेगा, बट वो जब तक ब्रेक नहीं करता है तब तक एटलीस्ट एक अपसाइड में चांसेस है। तो सितंबर कॉन्ट्रैक्ट 313 के करीब अगर आता है सपोर्ट के करीब तो बाय कर सकते हैं 317 के टारगेट के लिए, और इंट्राडे स्टॉप लॉस रख सकते हैं 311 का। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाविक जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ पर कमाई के मौके बनेंगे।